स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। इन किसी भी इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, तो इसके लिए एक मेथड है रेगुला फालसी मेथड। इससे उस इक्वेशन की रूट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन, जिसमें हम फर्स्ट मेथड आज स्टडी करेंगे, रेगुला फालसी मेथड। पहले हम इसका फॉर्मूला समझें। क्या होता है फॉर्मूला? देखिए, जो भी इक्वेशन दी होगी उस इक्वेशन को हम एफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स लेट करेंगे, और रेगुला फालसी मेथड से जो रूट निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये हम याद रखेंगे। क्या? एक्स वन, इसका मतलब है कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू एक्स वन एफ एक्स टू माइनस एक्स टू एफ एक्स वन एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन। तो इस फॉर्मूले का यूज जो रेगुला फालसी मेथड के द्वारा हम किसी इक्वेशन का रूट फाइंड करते हैं यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला है। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन समझते हैं। सॉल्व एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। फॉर द रूट लाइंग बिटवीन टू एंड फोर वाई रेगुला फालसी मेथड। देखिए, इसके थ्री रूट्स होंगे, जिसमें हमें ये पूछा गया है कि टू और फोर के बीच का कोई एक रूट बताइए। तो ये एक्स वन हो गया यानी फर्स्ट रूट हो गया, एक्स टू सेकेंड रूट। हमने बताया कि जो भी इक्वेशन दी होगी ये क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स प्लस वन, इसको हमने फंक्शन ऑफ एक्स लेट किया, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर थ्री माइनस नाइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब हमें फाइंड आउट करना है एफ एक्स वन कितना होगा। तो एक्स वन ये है, इसका मतलब एफ टू कितना होगा। तो एक्स के प्लेस पर हम ये टू लिखेंगे, टू की पावर थ्री माइनस नाइन इंटू टू प्लस वन, जो भी कैलकुलेशन आएगी वो नाइन माइनस का नाइन होगा। एंड फोर के लिए हम एफ एक्स टू, क्योंकि एक्स वन हमने टू लेट किया और एक्स टू फोर, फर्स्ट रूट सेकेंड, इन दोनों के बीच में हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की रेगुला फालसी मेथड के द्वारा। एफ एक्स वन हो गया माइनस नाइन, अब ये फोर वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे एक्स के प्लेस पर और सॉल्व करेंगे इसको, फोर की पावर थ्री माइनस नाइन इंटू फोर प्लस वन, कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर के द्वारा कर सकते हैं, ट्वेंटी नाइन होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब फार्मूला लिखेंगे। वी नो दैट फॉर रेगुला फालसी मेथड द फार्मूला इज, ये होता है एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन एफ एक्स वन माइनस एक्स टू एफ एक्स वन एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन। तो ये चारों वैल्यू है हमारे पास, एफ एक्स वन ये है, एफ एक्स टू ये है, एक्स वन एक्स टू ये है, चारों वैल्यू हम इस फार्मूले में क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दें, देन फॉर द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आएगी एक्स, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए एक्स वन टू एफ एक्स टू ट्वेंटी नाइन माइनस एक्स टू टू सॉरी एक्स टू फोर एफ एक्स वन माइनस का नाइन। अब इसकी मल्टीप्लाई एडिंग, ये इनको प्लस करना, ठीक है, एफ एक्स टू कितना है ट्वेंटी नाइन, फिर माइनस ये एफ एक्स वन माइनस का नाइन है, फिर हो गया प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, ये थर्टी एट। तो इसकी फुल कैलकुलेशन है वो ये आया 2.474, टू से ग्रेटर है फोर से लेस,
फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे ना, जो एक्स की पावर वन हम कह लें इसे कि वैल्यू 2.474 है, यानी ये एफ एक्स वन है, सॉरी एक्स वन की वैल्यू समझे इसे, तो फिर निकालना है हमें एफ एक्स वन। क्या लिखें यहाँ से, एक्स के प्लेस पर हम ये लिखेंगे एक्स की वैल्यू 2.474 का होल क्यूब माइनस 9 इंटू 2.474 प्लस 1, फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे और वो आएगी देखिए यहाँ ये माइनस का 6.1235। सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए फार्मूला एक्स की पावर 2 कह लें से इज इक्वल टू फार्मूला वही एक्स वन एफ एक्स टू माइनस एक्स टू एफ एक्स वन एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन। अब जो एक्स वन है वो तो ये वैल्यू है, एफ एक्स वन है वो ये वैल्यू है, जो यहाँ एफ एक्स वन एक्स वन थे वो यूज़ नहीं होंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में, एफ एक्स टू और एक्स टू वही यूज होंगे। तो देखिए एक्स वन इज इक्वल टू लिखा क्या 2.474, एक्स टू क्या है 4, वही वैल्यू एफ एक्स वन ये एफ एक्स टू वही, तो जो एफ एक्स टू और एक्स टू है वो तो वही रहेंगे जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू में थे, लेकिन एफ एक्स वन और एक्स वन की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी आई 2.474 जो कि एक्स वन हो गई, और एफ एक्स वन हमने क्या किया, एक्स की ये वैल्यू हमने फंक्शन में अप्लाई करके एफ एक्स वन की वैल्यू माइनस का 6.1235 जो कि ये, ठीक है, ये चारों वैल्यू हम इसमें फिर पुट करेंगे एक्स की पावर 2 यानी सेकंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्स 2.474। देखिए एक्स वन कहाँ है ये यहाँ लिखा, और एफ एक्स टू 29 यहीं पर लिख लिया 29 माइनस इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं एक्स टू 4 एफ एक्स वन ये एफ एक्स वन अपॉन 29 एफ एक्स टू माइनस, और एफ एक्स वन कितना है माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ माइनस इसकी वैल्यू, फिर इसको कैलकुलेट किया करील हो गया मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई फिर एडिशन, ये एडिशन डिवाइड, सेकंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एक्स की हुई 2.733। अगले थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमें ये एक्स वन हो जाएगा और हमें एफ एक्स वन निकालना है, तो ये एक्स की वैल्यू जो आई है यानी एक्स टू हम कह रहे हैं इसे, लेकिन रियल में ये एक्स की वैल्यू है, सेकंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है एक्स की, तो एक्स के प्लेस पर हम यहाँ फंक्शन में ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 2.733 का होल क्यू माइनस 9.273 प्लस 1, इसको कैलकुलेट करेंगे और इन्होंने जो यहाँ लिखा है एफ एक्स टू 2.733 का होल क्यू माइनस 2.733 का ये होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है एक्स है केवल ये नहीं है होल स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये देख लीजिए एक्स क्यू माइनस 9x 9 और ये 9 नहीं है, फिर कैलकुलेशन करना है इसकी ये आएगा, तो एफ एक्स वन अब क्या हो गया एक्स वन हो गया ये 2.733 और एफ एक्स वन हो गया ये वैल्यू माइनस के 3.0892। एफ एक्स टू और एक्स टू वही रहेंगे, देखिए एक्स टू 4 जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वही चलते रहेंगे एक्स टू 4 एफ एक्स टू 29। फिर फार्मूला लिखा हमने थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के लिए एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू यही फार्मूला एक्स वन एफ एक्स टू माइनस एक्स टू एफ एक्स वन एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन। देखिए ये जो वैल्यू हैं चारों ये इसमें सब्सटीट्यूट करनी, तो एक्स वन की जगह ये 2.733 एफ एक्स टू 29 ये हो गया माइनस एक्स टू 4 ये हो गया एफ एक्स वन ये माइनस का 3.0892 अपॉन एफ एक्स टू 29 और माइनस ये प्लस हो गया क्योंकि एफ एक्स वन की वैल्यू माइनस की है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई इसकी इससे मल्टीप्लाई दोनों का एडिंग फिर इनका एडिंग डिवाइडिंग
थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हुई, 2.859। देखिए बाकी इन्होंने सिमिलरली लिखा है लेकिन आपको करना है, ये फोर्थ अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी और ये फिफ्थ होगी, ठीक है। अगला क्या करना है ये भी बता देते हैं। ये एक्स की वैल्यू हम, ये एक्स वन हो गया, एक्स की पावर फैक्टर सॉरी थ्री, ये एक्स की ही वैल्यू है लेकिन एक्स वन इसको लेट किया है, तो 2.859 हम कहाँ लिखेंगे, जो एफ एक्स है हमारे पास फंक्शन है, यहाँ लिख के एफ एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी, एफ एक्स वन आ जाएगा, ये एक्स वन हो जाएगा और एफ एक्स टू और एक्स टू क्या रहेगा, यही रहेगा एक्स टू फोर एफ एक्स टू 29। फॉर्मूला फिर से वही यूज होगा लेकिन यहाँ लिखा जाएगा x की पावर 4 एक्स वन एफ एक्स टू माइनस एक्स टू एफ एक्स वन अपॉन एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन। तो x1 जो वहाँ आया है कितना आया है, 2.859, ये x1 हो गया और एफ एक्स वन क्या हो गया, जो यहाँ वैल्यू आएगी एफ एक्स की वो एफ एक्स वन होगा। ये चारों वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और फोर्थ अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी आपकी 2.931। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। फिर फिफ्थ अप्रोक्सीमेट के लिए ये एक्स वन हो जाएगा, ये वैल्यू एक्स की इक्वेशन वन में पुट करने से एफ एक्स वन आ जाएगा और एक्स फाइव के लिए फिर वही फार्मूला, तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। अब हम ये देख लेते हैं 932 प्लेस हमारे सेम हो गए तो हम यही आंसर देख सकते हैं, रिकॉर्ड करेक्ट थ्री डेसिमल प्लेस 2.939 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू।